गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ये जो आपका लेसन है लेसन 7 उसका रिवीजन करेंगे। इस पर ग्लोसरीज दे रखी है। वंडर, टू वॉक स्लोली ऑफन विदाउट एनी पर्पस, इधर उधर घूमना मतलब बिना किसी काम के इधर उधर घूमना। इम्पैक्ट, अ पावरफुल इफेक्ट, कोई एक पावरफुल असर दिखाना किसी चीज़ का। इम्पैक्ट इम्प्रेशन बोलते हैं, इम्पैक्ट। गिव अप, टू स्टॉप डूइंग और ओनिंग समथिंग, त्याग देना, कुछ भी काम नहीं करना, उसको छोड़ देना। लेजीनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनविलिंग टू वर्क, आलस्य, लेजीनेस, आलस। डिसाइड टू थिंक केयरफुली एंड चूज व्हाट टू डू, निर्णय लेना, डिसाइड करना कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, डिसाइड करना। अटेंटिवली, केयरफुली मतलब ध्यान से। रिवाइज, टू स्टडी अगेन समथिंग यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड, दोहराना, जैसे हम अभी रिविजन कर रहे हैं या आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है और वापस हम रिविजन कर रहे हैं तो रिवाइज वापस से दोहराना किए गए काम को। पंक्चुअलिटी मतलब समय पालन करना। द हैबिट ऑफ नॉट गेटिंग लेट, लेट नहीं होना, समय का पालन करना। फिर है नेक्स्ट अपने ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू है अगर स्टेटमेंट तो अपने को टी लिखना है और फॉल्स है तो एफ लिखना है। वी शुड गिव अप लेजीनेस, हमें आलस्य से त्याग देना चाहिए तो ट्रू। द पिकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय, बॉय पिकॉक था वो बॉय के साथ खेलने के लिए फ्री था क्या, नहीं ना, तो ये फॉल्स। रोहित प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, रोहित अपने फ्रेंड्स के साथ मॉर्निंग में खेलता था तो फॉल्स, नहीं। देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, गार्डन में बहुत सारे चिल्ड्रन नहीं थे, क्यों, क्योंकि सुबह का टाइम था तो सुबह सब स्कूल गए हुए थे तो चिल्ड्रन गार्डन में नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट लिख रखा है कि यहाँ गार्डन में बहुत सारे चिल्ड्रन थे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस है। फर्स्ट है अ पंक्चुअल बॉय, जो पंक्चुअल बॉय होता है वो क्या करता है, डज नॉट मिस हिज स्कूल, डज नॉट डू वर्क ऑन टाइम, डज नॉट misuse things या does not waste him time, waste his time। तो punctual का मतलब होता है समय पर, तो समय पर कब होगा, जब हम अपना समय waste नहीं करेंगे, तो D वाला option उसको टिक करना है आपको, does not waste his time। second है who is not willing to work, काम कौन नहीं कर रहा था इनमें से, peacock, dog, parrot या रोहित, तो रोहित नहीं करना कर रहा था ना क्योंकि स्कूल नहीं जा रहा था वो। लेजीनेस इज डैश फॉर अस, हमारे लिए लेजीनेस क्या है, गुड है, बैड है, यूजफुल है या हेल्पफुल है, तो बैड है ना हमारे लिए लेजीनेस, आलस्य नहीं करना चाहिए, तो बी बैड पे टिक करिएगा। ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो हमने ब्लैक बोर्ड पर किए थे तो आज हम इसका वापस से रिविजन करते हैं। वाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विथ, रोहित को कोई भी फ्रेंड गार्डन में खेलने के लिए क्यों नहीं मिला था, तो रोहित फाउंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विथ बिकॉज दे हैड गॉन टू स्कूल, क्योंकि जो उसके फ्रेंड्स थे वो सब स्कूल जा चुके थे, क्योंकि वे सब स्कूल जा चुके थे। सेकेंड है वाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन नॉट प्ले विथ रोहित, रोहित के साथ बर्ड्स और एनिमल्स जो गार्डन में थे वो क्यों नहीं खेल रहे थे, क्योंकि वो सब भी अपने काम करने में बिजी थे, तो The birds and animals in the garden did not play with Rohit because they were busy in their work, क्योंकि वे लोग भी अपने काम में बिजी थे। थर्ड क्वेश्चन है इन द एंड ऑफ स्टोरी रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विथ हिम, वाई, लास्ट में रोहित के पेरेंट्स उससे हैप्पी क्यों थे, रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विथ हिम बिकॉज He started going to school daily, क्योंकि उसने डेली स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये आपका जो लेसन है, ये लेसन 7 का आपका रिवीजन आज कंप्लीट होता है। इसे आप सुनिएगा, पढ़िएगा, जहाँ मैंने क्वेश्चन आंसर आपने कर रखे नोटबुक में वहाँ से इसे लर्न करिएगा। थैंक यू।